गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम EBS में चैप्टर 7 की क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। क्या करेंगे? EBS में चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। तो हमारे चैप्टर 7 का नाम क्या है? द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों की दुनिया। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों की दुनिया। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर याद करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम सम वेरी बिग एनिमल्स। क्या करना है हमें? कुछ बहुत बड़े जानवरों के नाम लिखने हैं। क्या करना है बच्चों? हमें कुछ बहुत बड़े जानवरों के नाम लिखने हैं। तो नेम सम वेरी बिग एनिमल्स, व्हेल, एलिफेंट एंड ऑस्ट्रिच। ये कैसे एनिमल है? ये बिग एनिमल है। एक बार फिर से बोलिए, व्हेल, एलिफेंट और ऑस्ट्रिच। समझ आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें याद हो गया। बताइए क्या है? वेरी बिग एनिमल्स कौन कौन से हैं बताइए? व्हेल, एलिफेंट एंड ऑस्ट्रिच। चलिए उसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन लर्न करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, What does chewing the curd mean? What does chewing the curd mean? मतलब जुगाली करने का क्या अर्थ होता है? Chewing the curd का मतलब तो आप जानते हो, जुगाली करना। तो जुगाली करने का क्या अर्थ होता है बताइए? जुगाली करने का क्या अर्थ होता है? चलिए देखते हैं। Herbivorous animals like cow and buffalo etc. मतलब शाकाहारी जानवर जैसे गाय, भैंस आदि, टेक रेस्ट व्हेन दे ब्रिंग देयर फूड बैक इनटू देयर माउथ। क्या करते हैं? जब वे आराम कर रहे होते हैं तब वे क्या करते हैं? तब वे अपने मुंह में अपना भोजन क्या करते हैं? वापस लाते हैं। क्या करते हैं? जब वे आराम कर रहे होते हैं तब वे अपना भोजन अपने मुंह में वापस लाते हैं। एंड दे Then chew it, और फिर वे क्या करते हैं? इसे चबाते हैं। पहले तो ऐसे ही निगल लेते हैं, फिर जब वे आराम कर रहे होते हैं तब वे क्या करते हैं? तब वे अपना भोजन वापस अपने मुंह में लाते हैं और वे फिर इसे चबाते हैं। और क्या करते हैं? फिर से चबाते हैं। With their grinding teeth, अपने पीसने वाले दांतों से। किससे बच्चों? अपने पीसने वाले दांतों से। This is called chewing the curd. ये क्या कहलाता है? जुगाली करना कहलाता है। एक बार अब हम फिर से अपना आंसर रीड करते हैं। Herbivorous animals like cow and buffalo etc. take rest when they bring their food back into their mouth. When they bring their food back into their mouth and they then chew it. And they then chew it with their grinding teeth. This is called chewing the curd. एक बार फिर से बोलिए। Herbivorous animals like cow and buffalo etc. take rest when they bring their food back into their mouth and they then chew it with their grinding teeth. This is called chewing the curd. This is called chewing the curd. एक बार फिर से बोलते हैं ताकि हमें लर्न हो जाएगा। Herbivorous animals like cow and buffalo etc. take rest when they bring their food back into their mouth and they then chew it with their grinding teeth. This is called chewing the curd. समझ आया? चलिए तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, Herbivorous animals like buffalo and cow take rest when they bring their food back into their mouth and they then chew it with their grinding teeth. This is called chewing the curd. मतलब शाकाहारी जानवर जैसे गाय और भैंस जब आराम कर रहे होते हैं तब वे अपने मुंह में अपना भोजन वापस लाते हैं और फिर इसे चबाते हैं। फिर ये अपने पीसने वाले दांतों से इसे चबाते हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग कर्ड, मतलब यह है जुगाली करना कहलाता है। चलिए तो बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द हर्बीवोरस एनिमल। क्या है?
व्हाट आर द हर्बीवोरस, मतलब शाकाहारी जानवर क्या होते हैं, शाकाहारी जानवर क्या हैं या फिर शाकाहारी जानवर क्या होते हैं। तो दोज एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, लाइक काउ, बुफेलो एंड गोट। तो दोज एनिमल्स, वे जानवर, दैट ईट ग्रास एंड प्लांट्स, जो खाते हैं घास और पौधे, जो क्या खाते हैं, घास और पौधे खाते हैं, ये कैसे जानवर कहलाते हैं, शाकाहारी जानवर कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस और बकरी। समझ आया, बकरी आदि, गाय भैंस बकरी आदि मतलब घोड़े वगैरह भी। चलिए तो एक बार फिर से रीड करते हैं। दोज एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, लाइक काउ, बुफेलो, गोट, ईटीसी। एक बार फिर से रीड करते हैं। दोज एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, लाइक काउ, बुफेलो एंड गोट, ईटीसी। दोज एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, लाइक काउ, बुफेलो, गोट, ईटीसी। समझ आया, एक बार फिर से रीड करते हैं। दोज एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, लाइक काउ, बुफेलो, गोट, ईटीसी। चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू डिफरेंट एनिमल्स यूज देयर टेल्स, मतलब हाउ डू डिफरेंट एनिमल्स यूज देयर टेल्स, मतलब विभिन्न प्रकार के जानवर या विभिन्न तरह के जानवर अपनी पूंछ का उपयोग कैसे करते हैं। समझ आया, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज देयर टेल्स फॉर डिफरेंट पर्पस, क्या होता है, अलग अलग तरीके के जानवर अपनी पूंछ का उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। समझ आया, जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ फिश यूज इट्स टेल फॉर स्विमिंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। तो जो हमारी फिश होती है वो क्या करती है, तैरने के लिए और दिशा चेंज करने के लिए, मतलब दिशा को बदलने के लिए किसका यूज करती है, अपनी पूंछ का यूज करती है। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, अ फिश यूज इट्स टेल फॉर स्विमिंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। समझ आया, एक बार फिर से रीड करिए, अ फिश यूजेस इट्स टेल फॉर स्विमिंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। समझ आया, चलिए तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, थिक टेल ऑफ कैंगरू इनेबल इट टू मेंटेन इट बैलेंस, मेंटेन इट्स बैलेंस। थिक टेल ऑफ कंगारू इनेबल इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस, मतलब क्या होता है, कंगारू की मोटी पूंछ उसका संतुलन बनाए रखने में क्या होती है, सक्षम होती है, संतुलन बनाए रखने में क्या होती है, सक्षम होती है। चलिए एक बार फिर से रीड करते हैं इसको, थिक टेल ऑफ कैंगरू इनेबल इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस। एक बार फिर से बोलिए, थिक टेल ऑफ कैंगरू इनेबल्स इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस, मतलब क्या होता है इसका, जो कंगारू की मोटी पूंछ होती है वो अपना संतुलन बनाए रखने में क्या करती है, सक्षम होती है, अपना संतुलन बनाए रखने में क्या होती है, सक्षम होती है। तो बताओ कंगारू अपनी पूंछ का यूज किस लिए करता है, अपना बैलेंस बनाए रखने में। समझ आया, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं इसको, थिक टेल ऑफ कैंगरू इनेबल्स इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस। चलिए उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, अ पिकॉक यूजेस इट्स टेल टू डांस, अ पिकॉक यूजेस इट्स टेल टू डांस, मतलब क्या होता है, जो मोर होता है वो अपनी पूंछ का उपयोग किसके लिए करता है बच्चों, नाचने के लिए करता है, डांस के लिए करता है। समझ आया आपको, अ पिकॉक यूजेस इट्स टेल टू डांस, मतलब मोर अपनी पूंछ का यूज किसके लिए करता है, नाचने के लिए करता है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू स्केवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन, मतलब जो स्केवेंजर्स होते हैं, खोजी जानवर होते हैं, वो जंगल को साफ रखने में हमारी मदद कैसे करते हैं, या जंगल को साफ रखने में मदद कैसे करते हैं। हाउ डू स्केवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन,
मतलब जो स्केवेंजर्स होते हैं वो जंगल को साफ रखने में मदद कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। स्केवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। स्केवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेड एनिमल्स। क्या करते हैं वो, हमारी मदद कैसे करते हैं? तो बच्चों आपको क्या समझ आया? तो जो स्केवेंजर्स होते हैं वो जंगल को साफ रखने में मदद कैसे करते हैं? सड़ा और मरा हुआ मांस खाकर, जो सड़े हुए और मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनका मांस खाकर। समझ आया? तो स्केवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन बाय ईटिंग फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेड एनिमल्स। एक बार फिर से बोलिए, स्केवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेड एनिमल्स। तो मतलब ये क्या होता है कि खोजे जानवर मरे हुए तथा सड़े हुए जानवरों का मांस खाकर जंगल को साफ रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो खोजी जानवर होते हैं वो मरे हुए तथा सड़े हुए जानवरों का मांस खाकर जंगल को साफ रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, जंगल को साफ रखने में हेल्प करते हैं। चलिए तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न हुए। चलिए तो चलिए बच्चों एक बार सभी क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? नेम सम वेरी बिग एनिमल्स, व्हेल, एलिफेंट एंड ऑस्ट्रिच। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट डज स्विंग द कर्ड मीन। मतलब जुगाली करने का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो ईटीसी टेक रेस्ट व्हेन दे ब्रिंग देयर फूड बैक इनटू देयर माउथ एंड दे देन च्यू इट विद देयर ग्राइंडिंग टीथ। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड। समझ आया? चलिए उसके बाद हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर हर्बीवोरस, मतलब हर्बीवोरस जानवर क्या होते हैं, शाकाहारी जानवर क्या होते हैं? दोज एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस लाइक काउ, बफेलो, गोट ईटीसी। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू डिफरेंट एनिमल्स यूज देयर टेल्स, मतलब अलग अलग जानवर अपनी पूंछ का उपयोग कैसे करते हैं? डिफरेंट एनिमल्स यूज देयर टेल्स फॉर डिफरेंट पर्पस, मतलब अलग अलग जानवर अपनी पूंछ का उपयोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग उद्देश्यों से करते हैं। चलिए फर्स्ट है, अ फिश यूजेस इट्स टेल फॉर स्विमिंग एंड चेंजिंग द डायरेक्शन। तो मतलब जो मछली होती है वो अपनी पूंछ का उपयोग दिशा को बदलने के लिए और तैरने के लिए करती है। चलिए उसके बाद सेकंड है, थिक टेल ऑफ कंगारू इनेबल्स इट टू मेंटेन इट बैलेंस। थिक टेल ऑफ कंगारू इनेबल्स इट टू मेंटेन इट्स बैलेंस। मतलब क्या है? तो जो कंगारू की मोटी पूंछ होती है वो क्या करती है? अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम होती है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है, अ पिकॉक यूजेस इट्स टेल टू डांस। अ पिकॉक यूजेस इट्स टेल टू डांस, मतलब जो मोर होता है वो अपनी पूंछ का उपयोग क्यों करता है? डांस करने के लिए करता है। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू स्केवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन, मतलब जो स्केवेंजर्स मतलब खोजी जानवर जो होते हैं वो जंगल को साफ रखने में मदद कैसे करते हैं? तो बताइए कैसे करते हैं? स्केवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेड एनिमल्स। खोजी जानवर मरे हुए और सड़े हुए जानवरों का मांस खाकर जंगल को साफ रखने में मदद करते हैं। स्केवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड एंड डिकेड एनिमल्स। चलिए तो बच्चों आपको सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो गए। तो बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। क्या करना है? आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। समझ आया? चलिए गुड बाय।